आपको बता रहे हैं जहां महर्षि वाल्मीकि वार्ड 32 में आज पुनर्मतदान होगा। वार्ड के बूथ क्रमांक 399 में हो रहा है मतदान। बूथ की सूची में 1271 मतदाताओं का नाम है। मतदाता सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर दोबारा कराया जा रहा है मतदान। वार्ड के अंतर्गत आने वाली शराब दुकानें बंद हैं और साथ ही इस वार्ड में रहने वाले मतदाताओं के लिए अवकाश की भी घोषणा की गई है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 24 दिसंबर को सभी 2840 वार्डों के लिए मतगणना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसा कि एक वार्ड है जिसमें अलग से आज चुनाव कराया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए बुसरा, प्रदेश के 151 नगरीय निकाय के 2840 वार्डों में 21 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें जो चीजें निकल कर सामने आई थी, करीब 65% से ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन उसके बाद जब निर्वाचन आयोग ने पूरी प्रक्रिया को समझा था और जब उन्होंने समीक्षा की थी, तो एक ऐसा बूथ है वार्ड क्रमांक 32 महर्षि वाल्मीकि वार्ड, उसके वार्ड क्रमांक बूथ नंबर 399 में मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आपस में चर्चा की थी और एक फैसला लिया था कि इस मतदान केंद्र में पुनः मतदान कराया जाएगा। और इसी कड़ी में यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें जो मतदाताओं की है वो यहाँ पर लगी हुई है। न सिर्फ पुरुष बल्कि जो महिला मतदाता है उनकी भी संख्या यहाँ पर काफी देखी जा रही है। पुनर्मतदान पूरा ये हो रहा है और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो मतदान है वो होगा और उसके बाद 24 दिसंबर को प्रदेश के सभी 151 नगरीय निकायों के जो 2840 वार्ड हैं उनके नतीजे आएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। दोबारा मतदान आपको करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा मतदान करने का तो भाई होना भी नहीं चाहिए। अब ये गड़बड़ी हुआ तो इतनी लंबी लाइनें में खड़ा होके जो हम लोग अभी अपना समय तो गंवा ही चुके हैं और समय गंवा रहे हैं, उनकी भरपाई भाई, हर के लिए समय बहुत बहुमूल्य है और कीमती है। किस वजह से टालना पड़ रहा है, कुछ बताया होगा कारण? अभी इनका जो बताया है उसमें कुछ फर्जी मतदाता अपना वोटर डाल दिए हैं, जो मर गया है उनका यहाँ पर वोटर में नाम आया हुआ है और मतदान होके चला भी गया, ये ऐसे हम सुनने में आया था। किस उंगली में वो डाल रहे हैं निशान को? ये लेफ्ट वाली में डाले थे और आज की डेट में हम दूसरी उंगली राइट में अभी जो निशान लगा रहे हैं। आप बताओ दादा, क्या कहना चाहिए? हाँ भाई, वोट तो डाल लिए, पहले तो बाएं उंगली में थे, अभी का दाहिने में डाल रहे हैं। पूरा ये करके पहचान तो यही रहेगा हमारा। और ये जो अभी हुआ है ठीक हुआ है, कैसी होने चाहिए सुरक्षा की भी दृष्टि से भी और हर लिहाज से भी, ऐसे ही माता बहनों को। दोबारा मतदान से संतुष्ट है क्या? दोबारा मतदान से संतुष्ट है जी। तो देखिए, थोड़ी नाराजगी पुनर्मतदान को लेकर जरूर है मतदाताओं में, क्योंकि जो मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई थी, इस तरीके से जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम मतदाता सूची में आया था, इसी वजह से लगातार आपत्ति दोनों दलों की ओर से दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुनर्मतदान कराया जा रहा है। कुछ आम लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। आप बताइए, पुनर्मतदान कितना सही है? दोबारा आपको फिर लाइनों में खड़ा होकर ये वोट करना पड़ रहा है? हाँ, नहीं सही तो है पुनर्मतदान, क्योंकि गड़बड़ी हुई है तो उसको सुधारना भी जरूरी है। और ये जो पूरी जो इस गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए और जो भी सरकारी अमला जो इसमें दोषी हो उसको दंडित करना चाहिए, क्योंकि आखिर अपव्यय तो हुआ है, क्योंकि फिर से पूरी पूरा खर्चा और वही प्रणाली हुई, उसमें सरकारी धन का अपव्यय भी हुआ है, तो जिनकी गलती से हुआ है उनको दंडित करना चाहिए। आप बताइए, संतुष्ट है क्या पुनर्मतदान? नहीं सर, संतुष्ट तो है, लेकिन क्या है, पहले इनको ध्यान देना चाहिए कि ना सिक्योरिटी विक्योरिटी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कि चुनाव हो रहा है तो अच्छा से थोड़ा ध्यान दे के ना वोटिंग करवाना चाहिए। डबल ये सब कराने का झमेला ही नहीं होता ना, पहली बात तो। देखिए, साफ तौर पर मतदाताओं का ये कहना है कि दोबारा मतदान से न सिर्फ उनका टाइम वेस्ट हो रहा है बल्कि जो सरकारी धन का दुरुपयोग है वो यहाँ पर निश्चित तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। इस प्रकार से गड़बड़ी की गई और जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका मतदाता सूची में नाम आ जाना, कहीं ना कहीं ये पूरी गलती निर्वाचन आयोग की है। उन्होंने सही तरीके से जो सर्वेक्षण है वो मतदाता सूची को लेकर नहीं किया था। इसके अलावा घर घर तो घर घर जाना पड़ता है, जो
मतदाताओं की संख्या दर्ज करने, उस तरीके से जो काम हुआ था उस पे भी एक तरीके से ढील अपनाई गई थी। तो इसी कारण ये है कि यहाँ पर पुनर्मतदान हो रहा है। हालांकि लोगों का साफ तौर पर कहना है ठीक है दोबारा मतदान हो रहा है, संतुष्ट है, लेकिन जो गलती वहाँ पर की गई है उसको सुधारना चाहिए और उस पर जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। झारखंड विधानसभा